तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को दंगल टीवी पर आने वाले सीरियल पिया अभिमानी की कास्ट के रियल नेम और एज के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि शायद ही आप सभी जानते होंगे और जानना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बनी रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि सीरियल में मुकुंद का किरदार निभा रही हैं। उनका रियल नेम शालिनी कपूर सागर है। इनका जन्म 4 जनवरी 1976 में हुआ था। अब इनकी उम्र 47 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में अंगद का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम दीपक खाटी है। इनका जन्म 1996 में हुआ था। अब इनकी उम्र 26 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में किरण का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम डॉली सोही है। इनका जन्म 15 सितंबर 1975 में हुआ था। अभी इनकी उम्र 47 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में सनाया का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम वैशाली अरोड़ा है। इनका जन्म 2000 में हुआ था। अभी इनकी उम्र 23 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में तृष्णा का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम सुरभि रोहरा है। इनका जन्म 2001 में हुआ था। अभी इनकी उम्र 22 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में अगस्त्य का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम अक्षत सुखीजा है। इनका जन्म 18 नवंबर 1996 में हुआ था। अभी इनकी उम्र 26 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में अवंतिका का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम आस्था शर्मा है। इनका जन्म 1998 में हुआ था। अभी इनकी उम्र 24 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में दादी का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम संध्या सुगलू है। इनका जन्म 1965 में हुआ था। अभी इनकी उम्र 57 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में पूजा का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम निशा पारीक है। इनका जन्म 8 दिसंबर 1994 में हुआ था। अभी इनकी उम्र 28 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में ईश्वर का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम हिमांग पालन है। इनका जन्म 1971 में हुआ था। अभी इनकी उम्र 51 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में बिजली का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम आकांक्षा शर्मा है। इनका जन्म 1995 में हुआ था। अभी इनकी उम्र 27 साल है। तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको ये सीरियल कैसा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।